हाय फ्रेंड्स, तुम्हारा सबाई कैमन आचो? आशा करी भलोई आचो। आज तुम्हारा देखो हमारे ब्लॉग चैनल विशाल लाइफ वेब। आज हम दिल्ली ब्लॉगर चतुर्थ पर्व नहीं एसे गेछि। चतुर्थ पर्व तृतीय पर्वर मतन ही अनेक अजाना किछु दृश्य एवं अजाना किछु ऐतिहासिक तथ्य तुम्हारे का शेयर करब। एर जन्नो ब्लॉग लास्ट अब्दि देखते थको, अनेक किछु जानते पारबे। आर ए भिडियो भलो लागले अवश्य लाइक शेयर कमेंट कर जानिओ केमन लागलो तुम्हारे, एवं एरकम आरो किछु भिडियो देखते आमादेर ए चैनलटिके प्लिज सबसक्राइब कर दिओ। तो चलो बंधुरा भिडियोटा स्टार्ट करा जाक। तो फ्रेंड्स, हमारे आज एसे गेछि एई सामने देखते पाच्छ, एटा हलो आगरा फोर्ट। ए आगरा फोर्टे कतटा जायगा निये विस्तृत एवं आगरा फोर्टेर भितरे की की सौंदर्य लुकिये आछे सब किछु तोमादेर काछे तुले धरब। तो तोमरा भिडियोटा लास्ट अब्दि एनजय करो, देखे खूब भालो लागबे तोमादेर। बंधुरा, ए आगरा फोर्टेर भितरटा ढुकबो आमरा एखन, तार जन्य टिकिट काटा आछे। तो बाइरे दाड़िये आछि, भितरे ढुकबो। तो भितरे ढुके सब किछु देखाबो, कोथाय शाहजाहानके आटके रखा हयेछिल সেসব জায়গা দেখাবো। সেখান দিয়ে সে তাজমহল দেখতে পেতো সেই জায়গাটাও দেখাবো, সবই দেখাবো। চলো দেখতে থাকো তোমরা, খুব ভালো মজা দেখাবে ভিডিওটা। এখন আমরা ফোর্টের ভিতরে ঢুকছি, আগ্রা ফোর্ট। বন্ধুরা, এখানে বাইরে থেকে যে টিকিট কাটা হলো সেই টিকিট এখানে চেকিং করা হচ্ছে, এবং বডি টেম্পারেচার চেকিং করে ভেতরে ঢোকানো হবে। দেখতে থাকো। ফ্রেন্ডস, আমাদের টিকিট ভেরিফিকেশন হয়ে গেল, এবার আমরা সবাই একে একে ভেতরে ঢুকবো। ভেতরে ঢুকে অনেক কিছু দেখার আছে তোমাদের এখনও, তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকো। এই সামনেই দেখতে পাচ্ছ আমাদের গাইড সব ঘুরে ঘুরে দেখাবে তোমাদেরকে। গাইডের কথা এখন শুনবো, গাইড কি বলছে না বলছে, ঠিক আছে? তাহলে বুঝতে পারবে, অনেকটা ক্লিয়ার হবে তোমাদের কাছে ব্যাপারটা এই আগ্রা ফোর্টের ব্যাপারে। এই সামনে গাইড রয়েছে, এখন বলবে অনেক কিছু তোমাদেরকে। তোমরা মন দিয়ে শোনো, খুব ভালো লাগবে তোমাদের, দেখতে থাকো। अभी आप लोग आगरा फोर्ट आगरा किला देखने जा रहा है। आगरा फोर्ट आगरा किला अकबर ने बनाया। दिल्ली में लाल किला रेड फोर्ट है, इसको शाहजहान ने बनाया। अकबर ने इसको स्टार्ट किया 1565 में, चार बादशाह ने मिलकर बनाया। अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब, चार बादशाह ने बनाया। समय कितना लगा? 95 ईयर्स, 95 साल। जन्नेसन भाई जन्नेसन, 500 साल हो चुका है। उस समय पर इसमें 35 लाख, 35 लाख रुपया खर्चा आया उनकी मुद्राओं में, आज की मुद्राओं में नहीं, उनकी मुद्राओं में। अभी फर्स्ट गेट पे जहां टिकट चेक कराया, ये फर्स्ट गेट है आगरा फोर्ट का, इसको कहते हैं अमर सिंह गेट। अमर सिंह कौन थे? अमर सिंह साजा के चीफ कमांड जाते, सेनापति। उस गेट पर उनका डेथ हुआ, उसी नाम से रखा गया अमर सिंह गेट। अभी सेकेंड गेट पे आप लोग खड़ा है, इसको कहते हैं नौबत खाना, नौबत ढोल। बड़ा बड़ा लंगाड़ा बजाता था, मेहमान लोग का स्वागत करता था साइड से। इधर में डांसिंग के लिए कलरफुल ड्रेस में दाशियां होता था, इधर में सोल्जर्स लोग, सैनिक लोग होता था सलामी देने के लिए। अभी जब बाहर वाला गेट देखा ना, अब यहाँ से नहीं दिखेगा, इसको टर्न कर दिया। तीसरे गेट के अंदर जाएगा तो दूसरा गेट नहीं दिखेगा, गेट को जिगजैग टेढ़ा मेढ़ा बनाया। क्यों बनाया? ताकि दुश्मन लोग भीतर आसानी से नहीं आ सके। ये पेंट दिख रहा है येलो ब्लू, ये पेंट नहीं है दादा, ये जैम से रतन रतन पन्ना और नीलम, उसको स्टोन को पीस कर ये पेंट बनवाया, इसको बोलता है मोजाइक वर्क। अभी मुगल टाइम पर पूरा गेट पे होता था, आधा खराब हो गया है। अभी गवर्नमेंट जेम्स कहाँ से लगाएगा? जेम्स तो बहुत महंगा है ना, इसलिए प्लास्टर पेरिस कर दिया। आ देखिए, ये मुगल टाइम पर पूरा गेट पे होता था प्लास्टर जेम्स का। तो अभी देखिएगा, देखो दूसरा वाला गेट नहीं दिखता है यहाँ से, दिखता है ना, गेट को ये घुमा के बनाया जिगजैग।
इको क्यों होता है माने इको आ गया तो सिग्नल सिग्नल है ये, अगर दुश्मन लोग भीतर आएगा तो घोड़ा की आवाज से मालूम पड़ जाएगा दुश्मन घुस रहा है। वो लोग क्या कर सकता है, एक साइड से गरम जौल गरम तेल, अभी गरम पानी गरम तेल को छोड़ेगा तो पैर के नीचे लगेगा दुश्मन स्लिप ऊपर गिर जाएगा। तो ऊपर से बड़ा बड़ा रोलर होता था सैन स्टोन का रोलर, उसमें कपड़ा कर्टन बांधकर और रोल को जलाकर डाउन छोड़ देता था ताकि दुश्मन ऊपर नहीं आ सके। अभी ये लाइनिंग जो दिख रहा है ना, ये स्पीड ब्रेकर मुगल टाइम का। अभी मुगल लोग जब सवारी करता था टुक टुक हाथी घोड़ों का, तो पैर स्लिप ना करे इसलिए ये ग्रिप बनाया गया। ये 2.5 किलोमीटर में आगरा फोर्ट है 94 एकड़ के अंदर पर, लेकिन 2.5 किलोमीटर में मुगल लोग नहीं रहता था, मुगल लोग रहता था 25% में, और 75% में उनका सेना होता था सोल्जर। मुगल टाइम मुगल सोल्जर्स, ब्रिटिश टाइम ब्रिटिश सोल्जर्स, इंडियन टाइम इंडियन सोल्जर्स, इसमें इंडियन आर्मी रहता है 75% में। उस समय पर 4 गेट होता था, अभी 2 बंद है, अभी 2 खुला है, एक आप लोग के लिए पब्लिक लोग के लिए अमर सिंह गेट, और दूसरा गेट दिल्ली गेट आर्मी के लिए। वाटर गेट एलिफेंट गेट हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, वाटर गेट और एलिफेंट एलिफेंट। छोटा बन के आया यहाँ से बड़ा होता चला गया, समझ रहा, इसी इको सिस्टम बन गया। फोटो वगैरह कराना भैया, फोटो। आर्मी है मिलिट्री मुगल टाइम, मुगल सेना कहाँ पे, इधर में उधर, मुगल टाइम मुगल सेना, ब्रिटिश टाइम ब्रिटिश सेना, इंडियन टाइम इंडियन सेना। यह पब्लिक नहीं जाता सिविलियन, केवल आर्मी रहता है मिलिट्री। हम लोग यहाँ से घूमने जाएगा, यहाँ से बाहर आएगा, ठीक। सबसे पहले जो लाल पत्थर का महल दिखने जा रहा है, इसको कहते हैं जहांगीर महल, जहांगीर अकबर का बेटा, और इनकी माँ था हिंदू जोधाबाई। टाइटल नाम जहांगीर है, रियल नाम है इसका सलीम। अनारकली जो फिल्म बना है मुगले आजम, उसका फैमिली कोई है अंदर में? अब कोई नहीं है। जहांगीर के मामा मान सिंह, मामा बढ़िया होते हैं यार, इसी पत्थर का पीस है, बीच में जॉइंट नहीं है किसी के, मामा बहुत बढ़िया है। दादा ये जहांगीर का बादशाह है, ये बादशाह पुरानी का जहांगीर का, यहाँ पे तो आप लोग को दिखाने के लिए लगाया ना, पहले अंदर बाथरूम में था हमाम के लिए। ये बात तब उसके मामा ने दिया, उसका मामा राजा मानसिंह अकबर का सेनापति। ओनली वन स्टोन एकटा पत्थर में बना है, ये 5 फीट का है, इसमें स्टेयर बने, 3 सीढ़ी बाहर बना है, 3 सीढ़ी इसके अंदर है चढ़ने के लिए उतरने के लिए। गुलाब जल, गुलाब जल के पानी से नहाता था सलीम जहांगीर, ये जहांगीर का बात तब। ओनली वन स्टोन एक ही पत्थर में। अभी अकबर का 3 बीवी था, अकबर का पहला बीवी मुस्लिम, दूसरा हिंदू जोधा, और तीसरा मरियम क्रिश्चियन। जोधा था और रुकैया बेगम मुस्लिम था, रुकैया बेगम पहला बीवी था उसका मुस्लिम। गेट पे देखो 3 स्टार बना है, 1, 2, 3 स्टार दिख रहा है, ये क्रिश्चियन डिजाइन है मरियम बीवी का। उसका नीचे में देखो, नीचे में ये हॉल जो बना है ना, ऐसा मस्जिद डिजाइन रुकैया बेगम मुस्लिम डिजाइन। अच्छा नीचे आओ, लोटस फूल व्हाइट मार्बल का, एक इधी के दिख रहा है, हिंदू जोधा भाई, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, तीनों बीवी का डिजाइन दिया। अभी आप लोग जिस गेट से अंदर में जा रहा है, पहले मेहमान लोग जाता था स्वागत करता था, ऊपर में दासी लोग खड़ा होता था फूलों से स्वागत। अच्छा। अंदर जाता था बड़ा बड़ा ढोल नौबत। अच्छा। नौबत लंगाड़ा ढोल बजाता था, आवाज घूमता था, तो राजा लोग को मालूम पड़ता था मेहमान आ रहा है, वेलकम गेट, नौबत खाना, मेहमान खाना। लंगाड़ा बजाता था मेहमान लोग का स्वागत करने के लिए, आवाज घूमेगा तो राजा लोग को मालूम पड़ेगा मेहमान आ गया, वेलकम जी। आवाज
दो दादा देखो आप लोग, लाल पत्थर का जो महल दिख रहा है ये जहांगीर का महल है सलीम का। इधर में जब मुगल लोग रहता था वो अपना रूम के अंदर डोर नहीं लगाता था, दरवाजा वो लोग पर्दा लगाता था। अभी मुगल लोग जब खत्म हो गया तो मुगल के बाद कौन आ गया हिंदुस्तान में? अंग्रेज। वो लोग हुकूमत करता था ना, जब अंग्रेज लोग रहता था ये डोर जो दिखता है ना ये सब ब्रिटिश टाइम का, ये मुगल टाइम का डोर नहीं। ठीक, ये सामने जो ओपन में दिख रहा है ना आपको ये आगे चिक और पर्दे लगते हैं, ये मुगल टाइम का जहांगीर का बेडरूम है। इधर में डाइनिंग हॉल खाने पीने के लिए, इधर में उनका हिंदू बीबी का मंदिर राधा कृष्ण का, उनकी हिंदू बीबी पूजा करती थी, सोने चांदी की मूर्तियां होती थी। जब औरंगजेब का समय आया तो औरंगजेब ने सब हटा दिया, वो दूसरे धर्म को नहीं मानते थे। अभी मुगल टाइम का जश्न होता था मुजरा फेस्टिवल, इधर ही मनाते थे, इसको बोलता है रंग महल। अभी जश्न होगा तो राजा लोग ऊपर से बैठ के देखेगा ना, उसका रानी नीचे झरोके में से देखेगा, केवल आइस आंखें दिखता है। साइड से कलरफुल में ड्रेस में उनका दासियां होता था फूलों से स्वागत करने के लिए। अभी देखो ऊपर बड़ा बड़ा लोटस बना है, फूल दिखता है? देखो लोटस के नीचे पैरेट तोता बना है, तोता दिखता है? तोते के बीच में देखो लोटस बना है। ये सब हाथ से बनाया, खोद खोद के, मशीन से नहीं, मशीन नहीं चलता था। छैनी हथौड़ा राजस्थान जयपुर का डिजाइन है, पूरा महल पे हिंदू वर्क है। अभी आप लोग लाल पत्थर का महल दिख रहा है, रेड स्टोन का पैलेस अकबर ने बनाया, जब व्हाइट मार्बल का देखोगे उसको शाहजहां ने बनाया। अभी इस महल के अंदर जैसे पत्थर खराब हो जाता है ना तो गवर्नमेंट देखो चेंज कर देता है, देखा नया पत्थर लगा ना, ये नया ये पुराना, ये मुगल टाइम का ये इंडियन टाइम का। अभी पत्थर खराब हो जाएगा तो गवर्नमेंट उसको चेंज करता है। अभी देखो बरसात आ रहा है ना, इधर में पानी स्टोर नहीं होता, ये नीचे इसका ड्रेनेज सिस्टम बना है पानी निकलने के लिए, सीधा पानी बाहर अंडरग्राउंड। ये चीज क्या है? देखो जिन लोगों में एक ही लोगों ने जवाब दिया, ये माछ, ऐसा माछ, ऐसा पूछ, माछी का पूछ दिखता है, ये हिंदू डिजाइन वर्क, हिंदू वर्क। देखो पानी यहाँ से आता है, ठीक है, ये डेनी जे पानी का बाहर जाने के लिए, यहाँ से अंदर ग्राउंड सीधा बाहर, आज भी जा रहा है ना बरसात का पानी, मुगल टाइम पर भी चलता था, आज भी चलता है ड्रेन मुगल टाइम का। इस आगरा फोर्ट में दो किचन होता था, एक हिंदू एक मुस्लिम, एक वेज एक नॉन वेज। इधर में उनका हिंदू बीबी का किचन और स्टोर रूम खाना बनाने का हिंदू। ठीक, आगरा फोर्ट के अंदर दो तरह का किचन है, एक वेज किचन एक नॉन वेज, ये हिंदू किचन है, ये स्टोर रूम, आगे किचन लेडीज लोग का हिंदू खाने के लिए, इसमें 400 लोग का खाना होता था कम से कम इसमें। ये दादा ब्रिक आगरा किला इसी से बनाया, ये छोटा छोटा ब्रिक्स है, हाँ ईट है ये आगरा किले का, इसको बोलता है लाखौरी ककैया ईट। ये 2.5 किलोमीटर में, सुनो दादा इधर में, ये 2.5 किलोमीटर में इसी ब्रिक का यूज किया गया है। अंदर में सीमेंट नहीं होता था, अंदर में चूना सुर्खी गुड़ उड़द उड़द का दाल ये सब मिक्स होके ये पेस्ट बनाता था। जब ये पेस्ट बना सीमेंट नहीं चलता था, सीमेंट आया 1824 में, ये बना 1565 के अंदर 1565 में। अब मैं आपको दिखाएगा मुगल टाइम का हवा महल एसी रूम। मुगल टाइम पर लाइट नहीं होता था, अभी जैसे ठंडा है ना मौसम तो उसको गर्म रखता था, अभी गर्मी होता था तो ठंडा रखता था। आ जाओ ये 3 रूम है, एक वो बना है बाहर, एक ये रहा, एक उधर में, इसको बोलता है हवा में एसी रूम, पानी से ठंडा करेगा और पानी से गर्म करेगा। ऊपर टॉप दिख रहा है, ये गोल, बोलो बेटा चुप, ऊपर टॉप दिख रहा है, इस टॉप के ऊपर मुगल टाइम का जॉइंट है, पानी का टाइम है, गर्मी का टाइम है, बगल में यमुना नदी, कौन सा नदी है? जमुना नदी, जमुना नदी, जमुना नदी, जमुना नदी। सैनिक लोग पानी को भरता था, टंकी भर जाएगा ना तो पानी पापा पापा अभी टंकी को भरेगा तो जल भीतर आएगा,
जब दीवार के अंदर डॉल आएगा तो दीवार ठंडा हो जाएगा, जब इसको ठंडा करेगा ये क्रॉस वेंटिलेशन हवा के लिए, अब एक ठंडा दीवार हो जाएगा तो इसमें हवा लगेगा तो ठंडी हवा बाहर निकलेगी। सर्दी में क्या करता था, गर्म जॉल, गर्म पानी से भरता था, इसको बंद कर देता था, पर्दा लगा देता, क्यों, न हवा बाहर जाएगा न हवा अंदर आएगा, जब इसको गर्म करा देगा तो उसमें से गर्म हवा बाहर आएगा, तो उसको बोलते हैं हवा महल, एसी। बात करेगा, आवाज मत करना कोई भी, दूसरे लोग जाओ, दूसरे लोग ভেতরে যাচ্ছি। ভেতর দিকে খোলা, ওপেন, বাইরে এলাম বন্ধ। हमारा हाइट छोटा हमको दिखेगा नहीं, हम 4-5 फीट के हैं, ये 15 फीट के ऊपर है, ऊपर से प्लेटफॉर्म बनाया, प्लेटफॉर्म से नीचे बनाया। अच्छा, लगाना अभी देखो, आपने देखा लाल पत्थर का महल, अब देखिएगा मार्बल का महल, ये शाहजहां ने बनाया, अकबर का, लाल पत्थर का अकबर का, मार्बल का शाहजहां का। शाहजहां और मुमताज के पास 14 बच्चा था, लास्ट में 6 बच्चा रहे, चार है, है? आपको 14 में से 8 मर गया और 6 रह गया, खैमा से 4 बेटा, 2 बेटी, बड़ा बेटा दारा शिको, दूसरा शाह सुजा, तीसरा औरंगजेब, चौथा मुराद। औरंगजेब ने राजा बनने के लिए अपना 3 भाइयों को मार डाला, अपने पापा को उसने बंदी कर दिया नजरबंद। शाहजहां का 2 बेटी था, बड़ा बेटी का नाम था झाना, छोटा बेटी का नाम था रोशन आरा। शाहजहां ने दोनों बेटी का शादी नहीं किया, मुगल लोग शादी नहीं करता था, बहुत कम करता था, अगर करता था तो घर में घर जमाई बना के रखता था। अच्छा, शादी क्यों नहीं करता था, रीजन 2 है इसका, पहला इनका लेवल का किंग नहीं, वेरी बिग किंग, बहुत बड़े राजा थे, दूसरा ये लोग झुकना पसंद नहीं करता था, अगर ये अपना बेटी की शादी करेगा तो बेटी वाले के सामने झुक के रहना पड़ेगा, इसलिए दोनों बेटी का शादी नहीं हुआ। शाहजहां ने अपनी बेटी के लिए डोली बनाया, डोली समझता है, पालकी, ये शाहजहां ने अपनी बेटी को डोली बनाकर दिया, क्यों दिया, क्योंकि शाहजहां अपनी बेटी को दुल्हन बनाकर विदा नहीं कर सका डोली में, इसलिए डोली बनाकर बेडरूम बनाकर दिया, ताकि बेटी लोग डोली में रहेगा। ये छोटा बेटी रोशन आरा का डोली है, ठीक। अभी हम लोग ये व्हाइट मार्बल का पैलेस देखेगा, इसको कहते हैं खास महल, ये शाहजहां मुमताज का बेडरूम है, इस बेडरूम के बगल में उधर में सबसे बड़ा बेटी का डोली बना है झानारा का, ठीक, ये खतरनाक बेटी था उसका, वो बहुत अच्छा बेटी था झानारा। ये सारा अपना लीप पोल अपना भाई को बताता था औरंगजेब को, इसको लाल पत्थर का बना के दिया डोली, और बड़ा बेटी को मार्बल का बना के दिया, ये लाल पत्थर है ना, ठीक, बड़ा बेटी मार्बल। अभी ये पीतल है, पहले सोना था, ताकि दुश्मन भीतर सही आएगा, सामने ताजमहल है, बिता नहीं है, बहुत हो रहा है सामने, थोड़ा हल्कर ताजमहल, ताजा महल की दिक्कत है ना, सब ने बंदी कर दिया आपको औरंगजेब ने। अच्छा नहीं, आगे आ जाओ,
दादा इसको बोलते हैं खास महल, और खास मतलब स्पेशल, और महल मतलब पैलेस। ये स्पेशल पैलेस किसका है? शाहजहां मुमताज का बेडरूम है। अभी जो मार्बल आता था ना, ये मार्बल ये राजस्थान से आता था, मकराना से। अभी ये डिजाइन जो दिखा है ना, ये सब हाथ से बनाया, खोद खोद के बनाया, छेनी हथौड़ा से बनाया। ये लोटस बनाया है, तो लोटस दिखता लोटस, ये हिंदू डिजाइन लोटस। अभी ये काला काला दिखता है ना, पहले इसमें सोना था, सोना कैसा वाला मालूम, जो पैसा वाला ऊपर दिखता है, येलो ब्लू पेंट, तो आपने उठा लिया, ये पेंट है। सुन लो दादा, सुन लो, उधर देखो वो पेंट दिख रहा, येलो ब्लू पेंट, ये पेंट है, पर लेकिन मुगल टाइम पर इस पे सोना था पूरा महल पे। फर्स्ट अटैक ब्रिटिश लोग का हुआ 1803 में, तो ब्रिटिश लोग ने इसको हीट करके मेल्ट कर दिए, गला दिया सोना जो जल के बाहर आ गया ना, इसलिए काला काला आपको ये दिखता है। ये ऊपर में रिंग दिखता ना चट्टा, अच्छा झाड़बत्ती, झूमर झाड़बत्ती लगाएगा, इसमें कैंडल सजाएगा, कैंडल को जलाएगा, सोना चमके। ये ना आपकी आपको ना मार्बल की पहचान करा रहा है कि ये रियल मार्बल क्या रियल मार्बल है, रियल, ये देखिए रियल मार्बल है ना, रियल मार्बल। ये फाउंटेन दिख रहा, फाउंटेन अभी उस समय पर मोटर लाइट नहीं चलता था, अभी ये फाउंटेन बनाया, इसमें से पानी कैसे आएगा? पानी प्रेशर से आएगा। कैसे आएगा प्रेशर? ऊपर स्टेयर देखो, सीढ़ियां दिख रही है, हाँ? इसके बगल में लाल पत्थरों का जॉय टैंक है, क्या है ये जो बड़ा सा बना हुआ ना, ये जॉय टैंक है। जब इसको यूज करता था, वाटर टैंक को भरता था, टैंक भरता था तो पानी का प्रेशर जमीन के भीतर से आता था, जमीन के ऊपर पानी आएगा, पानी ये मुगल लोग भी चलाता था, ये आज भी चलता है। अभी बरसात होने दो, 5-7 घंटा टंकी भर जाएगा, पानी इसमें से बाहर आ जाएगा, छोटा छोटा इसमें से पानी, पानी कहाँ जाता था वो दिखता है हॉल, जो पानी निकलता था इसमें से अंदर होके सीधा बाग के अंदर, कौन सा बाग? अंगूर का बाग। अकबर ने अपना हिंदू बीबी जोधाबाई की ग्रेप्स गार्डन अंगूर का बाग बनाया। ये देखो अंगूर का बेल लगाया ना, देखिए ऊपर में जो रूम दिख रहा है उसको बोलता है हरम, हरम दासी लोग का सर्वेंट क्वार्टर, यहाँ दासी लोग रहता है। इधर को देखो एक स्वास्तिक बना है, इधर को स्वास्तिक दिखता है प्लस में, प्लस में दिखता है, उसके बगल में चांद दिखता है, चांद आधा मून, अच्छा हिंदू डिजाइन, अच्छा मुस्लिम डिजाइन, अच्छा छोटा बेटी रोशन आरा का डोली, अच्छा बड़ी बेटी झान आरा का डोली। सबसे बड़ा बेटी का झान आरा, चलो रे डोली उठाओ, डोली नहीं उठाई तो डोली को बना दी, घर में डोली बना दी, बड़ी बेटी जान आ रहा। ठीक, अब दिखाएगा शाहजहां को बंदी बनाया, उसका बेटा औरंगजेब। बंदी कर दिया वो, इधर बंदी चलो, हाँ सुनो दादा, इसको कहते हैं मुसम्मन बुर्ज और जैस्मिन टावर। इधर में औरंगजेब ने अपने फादर को शाहजहां को हाउस अरेस्ट नजरबंद किया, हाउस अरेस्ट घर के अंदर, जेल नहीं घर के, शाहजहां बाहर से बैठ के ताजमहल देखते। अभी बंदी क्यों किया मालूम? शाहजहां ने ताजमहल बनाया अपना मुमताज के लिए, 4 करोड़ रुपए लगाया, कहां से आया इतना पैसा? जनता का पैसा, शाही खजाना। अब इतना पैसा खर्च कर दिया, जनता उनके खिलाफ हो गया, क्यों? क्योंकि शाहजहां को अपना कब्र के लिए ठीक सामने एक काला ताजमहल बनाना था,
अगर वो काला ताजमहल को बनाता ना तो सल्तनत का शाही खजाना खत्म हो जाता। अभी खजाना खत्म हो जाएगा तो सल्तनत आगे कैसे बढ़ेगा? सल्तनत को बचाना, इसलिए अब्बू को बंदी बनाना। जब उनको बंदी बनाया गया, उनका एज कितना था? उम्र 70 वर्ष का था शाहजहां, 74 का हुआ था। उसका नजरे कमजोर हो गया, ताजमहल नहीं दिखता था। जो इनका पहला मुगल था वो था बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर ने तीसरा लड़ाई लड़ा था पानीपत के अंदर इब्राहिम लोदी से, उनको मार दिया था उन्होंने। तो बाबर के पास हीरा था, कोहिनूर हीरा। उसका बड़ा बेटी सेवा करता था ना यहाँ पर जानारा, उसका बेटी ने बाहर पिलर पे हीरा लगवाया, कोहिनूर हीरा, ताकि रिफ्लेक्शन से हीरे में से ताजमहल देख सके। 78 साल की उम्र में शाहजहां का इधर में डेथ हो गया। उसका बड़ा बेटी जानारा, उनका कबर यहाँ से सुरंग से लेकर गया ताजमहल, वो मुमताज के बगल में ताजमहल में दफनाया। बंदी तो बाद में बनाया जब शाहजहां बुड्ढा हो गया। अभी आपको बताया था मैंने, जितना भी मार्बल का पैलेस है ये सब शाहजहां ने बनाया। शाहजहां ने इसको बनाया, बाद में इधर में बंदी कर दिया। पहले क्या करता था शाहजहां इधर में गेम खेलता था, ऐसा पाशा, ऐसा पाशा, पाशा बनाया पाशा, ऐसा पाशा पाशा खेलता था। अभी पाशा पे कौन खड़ा होता था मालूम? यहाँ दासी लोग खड़ा होता था, दासी लोग चलता था ना आगे चाल। इतना बड़ा पाशा में मोहरा कौन बनेगा? दासी लोग बनेगा। वहां से पानी आता था उधर के, देखो पानी आएगा ना उधर से, पानी अंडरग्राउंड पानी आएगा फाउंटेन से। गेम खेलता था तो झरोका चलता था, क्योंकि जब शाहजहां ने इसको बनाया तो पूरा महल पे जेंट्स लगाया, रतन इसको बोलता है फिरोजा। क्या बोलता है? फिरोजा, ऐसा पन्ना, ऐसा पन्ना, ऐसा रूबी। अभी लोग दोस्तों को निकालता था, दिखता है? सब निकाल निकाल के खराब कर दिया ना। ये देखो, अरे तुम देखो जा। पन्ना दिखा दिखाइए दिखाइए, ये इसमें दिखाइए, देखो ना रियल रियल जेंट्स। ऐसा गुप्त रास्ता टनल टनल ताजमहल जाने का, ताजमहल जाने का टनल ताजमहल जाओ गुप्त रास्ता ताजमहल जाओ। दादा इसको बोलता है दीवाने खास, दीवाने खास कॉन्फ्रेंस मीटिंग विचार कैबिनेट कॉन्फ्रेंस। अकबर पढ़ा लिखा नहीं, क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि बहुत छोटा उम्र में गद्दी संभाला, 14 साल का। इसका नौ रतन था, बीरबल, तानसेन, डोरनमल, मानसिंह, आदम खान, नौ रतन था ना, उनके साथ गुप्त विचार यहाँ करता था। गर्मी के टाइम पर विचार अंदर होता था, ज्यादा गर्मी में जब मौसम सुहाना हो जाता था तो विचार बाहर करता था। अभी विचार बाहर करेगा तो ब्लैक स्टोन पे राजा लोग बैठेगा, काला पत्थर, इधर में सेनापति चीफ कमांडर, और यहाँ पर कलरफुल चेयर मिनिस्टर लोग के लिए, कलरफुल टेंट शामियाना। कैसे लगाएगा? ये देखो लोहे का रिंग लगाए जमीन पर, दिखता है कला बिछाना, ये शामियाना टेंट तंबू से बांध देता। फिर राजा लोग का और मिनिस्टर लोग का विचार होता था, गुप्त विचार, खास विचार, इसलिए बोलते हैं इसको दीवाने खास। अभी ये काला पत्थर दिखता ना दादा, ये अपना इंडिया का नहीं है, ये आउट ऑफ कंट्री का है। इसको सजादा सलीम ने मंगाया बेल्जियम से, ये बेल्जियम से आया इलाहाबाद फोर्ट, इलाहाबाद फोर्ट से आया आगरा फोर्ट। ये कॉस्टी पत्थर है, समझता ना कॉस्टी है, इससे सोना चेक करता है, ये कॉस्टी पत्थर। 1803 में पहला अटैक हुआ ब्रिटिश टाइम पर, तो कैनन बॉल इस पत्थर पे लगा, पत्थर टूट गया, कैनन बॉल बाउंस हो गया, उछल गया, उछल के दीवार में गया, उसी के देखो कोने में दिखता है लास्ट में हो रहा है ना, हाल हो रहा है ना। आइए इधर के लगा, देखो दादा दिखा निशानी है कैनन बॉल, देखो दादा यहाँ लगा तोप का गोला जी के,
तोप का बॉल लगा इधर में कमानेर बोला कमान गोल नॉट टूट गया देखो कनेक्ट हो गया पर यहाँ से उछल गया उछल के ऊपर गया तो वहां से हॉल जमीन टूटा कॉस्टी पत्थर सोना चेक करता सोना सोने की फर्क करता है एकता पत्थर ओनली वन स्टोन एक ही पत्थर में बनाया है। अब हम जाएंगे मीना बाजार दिखाएंगे आपको मछली भवन दिखाएंगे टकसाल बताएंगे फिर उसके बाद जाएंगे दीवाने आम आम दीवाने खास देखे हैं अभी दीवाने आम अच्छा राज्यसभा अच्छा लोकसभा अच्छा मार्केट मार्केट का नाम सुना मीना बाजार मुगल टाइम पर यहाँ पर मीना बाजार लगता था अकबर लगवाते थे अपनी रानी लोग के लिए यहाँ पर बाहर से लेडीज लोग आता था मार्केट लगाने ये सामने जो दरवाजा दिख रहा है ना जो बाहर से लेडीज लोग आता था उनको पीछे मार्केट लगाने का जगह देता था अकबर ये नीचे जो रूम है ना यहाँ पर मार्केट रानी लोग लगाता था रानी लोग मार्केट लगाता था उनके पास राजा लोग जाता था शॉपिंग करने जिसका ज्यादा सेल होता था अकबर उसको इनाम देता था जो बाहर से आता था उनके लिए शाही राजा महाराजाओं को लड़कियां लोग यहाँ मार्केट करती थी उस मार्केट के अंदर जेंट्स अलाउड नहीं होता था केवल लेडीज मार्केट होता था मीना बाजार साल में दो मेरे नाम नहीं रखे थे अभी नीचे जो गार्डन दिख रहा है ना नाम लिखे थे मीना ये जो नीचे गार्डन दिख रहा है ना आपको पहले गार्डन नहीं होता था इधर में एक डीप गड्ढा होता था और उधर में पानी रहता था इधर पानी में मछली रहता था इसको बोलता था मछली भवन यहाँ पर शाहजहां का सिंहासन है यहाँ शाहजहां खड़े होते थे इधर में मुमताज खड़ी होता था जब आमने सामने खड़ा होता था टका छपने का कॉइन कमीशन होता जाल आरबीआई रिजर्व बैंक अथवा बस ये हम जा रहे हैं दीवाने आम अभी देखा दीवाने खास अब देखेगा दीवाने आम राज्यसभा लोकसभा आ जाओ दादा तो जगह दादा ऊपर देखा था दीवाने खास अभी देखता है आगरा फोर्ट का लास्ट पॉइंट दीवाने आम अच्छा राज्यसभा अच्छा लोकसभा जो अकबर मूवी देखा ना उसमें ऐसा सेटअप बनाया पूरा वो गाना हुआ ना अजीम और सहान सहनसा इधर के देखो बीच में शाहजहां बैठता था इधर के मुमताज उधर में छोटा बेटी बेटा औरंगजेब उधर में छोटी बेटी रोशन आरा इधर में बड़ी बेटी जान आरा और इधर में बैठते थे शाहजहां के चीफ कमांडर सेनापति अमर सिंह राठौर जोधपुर के राजा थे और यहाँ पर सेनापति थे ये पूरे महल में जो पिलर बनाया ना इसका खासियत क्या है मालूम अगर एक पिलर देखेगा लाइन में खड़े होके तो आगे वाला पिलर नहीं दिखेगा अगर लाइन में खड़े होके देखेगा ठीक है ना अभी इसके एक लाइन दिख रहा है अभी ड्राइविंग देखो इसको देखो इसको देखो दादा लाइन में आके इसको दिखेगा ना तो आगे वाला नहीं दिखेगा ठीक ये क्यों बनाया मालूम एक लाइन में इसलिए बनाया जब यहाँ राजा लोग बैठेगा तो मीटिंग के लिए पर्चा वहां से आएगा कहाँ से आएगा तो गेट दिखता है ना जब गेट के अंदर में आएगा तो राजा को तीन बार सलाम पेश करेगा जब अंदर में आएगा यहाँ राजा बैठा है सबको दिख रहा है कौन सलामी देता है कौन नहीं देता है अभी सलामी से मतलब नहीं है उनको मतलब है पिलर से पिलर नहीं आना चाहिए गेट के आगे अगर पिलर आएगा गेट के आगे तो राजा को क्या दिखेगा पिलर दिखेगा इसलिए पिलर दिखेगा इसलिए पिलर को साइड में हटा के बनाया चारों दिशा से ताकि राजा को पिलर डिस्टर्ब ना आगे समझ यही है दीवाने आम लोकसभा और इधर में सोल्जर्स रहता है सेना यहाँ जाना अलाउड नहीं होता है इंडियन मिलिट्री है इसके अंदर
और इधर में मस्जिद बना है व्हाइट मार्बल का मोती मस्जिद, ये बंद है, ये अलाउड नहीं है, गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है, नवाज के लिए नहीं होता, बंद है, गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है। इधर के कमान ब्रिटिश टाइम का कमान रखा है, दिखता है वो सामने कमान, ये ब्रिटिश टाइम का कमान है, तो और इधर में कबर बना है ब्रिटिश गवर्नर का कबर, इसका नाम है जॉन रसल कॉलबिन, ये ब्रिटिश के गवर्नर कॉलबिन नाम है। सो गाइज আমাদের দিল্লি ব্লগ চতুর্থ পর্ব এখানেই শেষ করলাম। তোমরা যারা এতক্ষণ আমাদের ভিডিওটা দেখছিলে আশা করি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লেগেছে, যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটি লাইক করে দেবে এবং অনেক শেয়ার করবে এবং কমেন্ট করে জানাবে ভিডিওটা কেমন লাগলো তোমাদের, আর আমাদের চ্যানেল বিশাল লাইফ ওয়েব সবাই সাবস্ক্রাইব করে দেবে। তো বন্ধুরা ভিডিওটা আমরা এখানেই শেষ করছি, সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো এইভাবে আমাদের পাশে থেকো, আরও অনেক অনেক এরকম ভিডিও তোমরা দেখতে পাবে, আমাদের সাথে জুড়ে থেকো, টাটা বাই।